सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर की तुलना करते हुए यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह फांसी से डरे नहीं, जबकि सावरकर माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आ गए। यह इतनी अतार्किक तुलना है कि इस एक तुलना से ही उनका बौद्धिक दिवालियापन उजागर हो जाता है और उनके बौद्धिक पाखंड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि सरदार भगत सिंह जब असेंबली में बम फोड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने तभी तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए। वे अपने बलिदान से, अपनी फांसी से जो क्रांति की लौ देश में जल रही थी, उसे और तेज करना चाहते थे। इसलिए बम फेंकने के बाद उनके पास भागने का अवसर था, लेकिन वे भागे नहीं और पुलिस की गिरफ्त में आए। उसके बाद उनके पास कानूनी अधिकार भी था अपना मुकदमा लड़ने का, लेकिन वो उन्होंने उस रास्ते को भी नहीं चुना क्योंकि वो बाहर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले दिन से अपने लिए फांसी का फंदा चुन लिया था। जबकि वीर सावरकर क्रांतिकारी के साथ साथ बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, उन्होंने अपना समूचा जीवन 8x8 की अंधेरी कोठरी में व्यर्थ ही बिताने की जगह काला पानी से बाहर आने के लिए कानूनी विकल्प का उपयोग करने का निश्चय किया। बाहर आने के बाद वे देश हित में कुछ कर सकते थे, उस काल कोठरी में नहीं। वीर सावरकर को यह सुझाव स्वयं महात्मा गांधी ने भी दिया। ऐसे लोगों को महात्मा गांधी जी के संबंध में सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा महात्मा गांधी जी का भी अध्ययन करना चाहिए कि वे सावरकर को काला पानी से मुक्त कराने के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। महापुरुषों को एक दूसरे के वर्क्स खड़ा करने का प्रयास करने वाले कुटिल लोग, उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लोग अब पहले से अधिक जागरूक हैं। वे अपने महापुरुषों को इस तरह के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। उनके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर और सरदार भगत सिंह दोनों ही भारत माता के सच्चे बेटे हैं, सपूत हैं, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए समर्पित कर दिया।